हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है 1/17 का, यानी कि 1 को डिवाइड करना है हमें 17 से, और जो रिपीटिंग ब्लॉक बताना है हमें, यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, जो नंबर्स आएंगे हमें बताने कि रिपीटिंग ब्लॉक कितना आ रहा है, वो हमें कंप्लीट इसे डिवाइड करके बताना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें 17 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 17 की टेबल राइट कर देंगे। तो यहाँ हम 17 की टेबल राइट कर लेते हैं कि 51, 68, यहाँ 85, 102, 119, 136, 153 और 170। यहाँ हमने, हमारे लिए इजी हो जाएगा, 17 की टेबल राइट की है, हमें डिवाइड करना है 1 को बाय 17। अब 1 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट फिर भी नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे, 0। अब 100 से आप देखिए, 17 की टेबल में ये कहाँ जाएगा, यहाँ 100 है हमारे पास, 5 से क्या आ जाएगा, 85। माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 किया 5, 9 माइनस 8 किया 1, फिर एक और 0 लेंगे। अब देखिए 150 आ गया, अब कहाँ जा रहा है ये 150, 136 यानी कि 8 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 136। माइनस करोगे, 10 माइनस 6 आ गया 4, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1, फिर क्या लेंगे, 0। अब कहाँ जाएगा ये देखिए, 138 पे ही जाएगा, दोबारा से 8 ले लिया हमने, 136। 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, 4 3 माइनस 3 क्या आ जाएगी, 0, ये तो 0 बन गया, फिर हम ले लेंगे एक और 0। अब 40 कहाँ जाएगा, ये तो जाएगा 2 पर, ये क्या आ जाएगा हमारा, 34। 10 माइनस 4 किया तो 6 आ गया, ये 0 यहाँ, फिर एक और 0 ले लेंगे। अब कहाँ जाएगा ये, 3 ज़ा पे, 17 3 ज़ा 51, 51 आ गया। 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9, क्या ले लेंगे ऊपर से, फिर 0, 90। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 85 यानी कि 5 85। 90 माइनस 85 किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या लेंगे, 0। अब 50 आ गया, 50 कहाँ जाएगा, 17 2 ज़ा 34, तो फिर से यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 34। 10 माइनस 4 क्या आ गया, 6, 3 माइनस 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1, 160, 0 ले लेंगे हम। अब 160 देखिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं, 9 पे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो 9 से यहाँ आ गया 9, ये आ गया 153। माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7, 6 यहाँ रह गया 50, 70 बन जाएगा, फिर 70 यहाँ, फिर देखेंगे यहाँ जा रहा है ये 4 से, तो यहाँ आ गया हमारा 4, ये आ गया 68। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं जा रहा, फिर क्या लेंगे, 0 लेंगे, 20 बन गया, 17 वन जा पे जाएगा अब, तो 17 वन जा 17, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया, फिर भी 0 लेंगे। अब कहाँ जाएगा, 17 टू ज़ा 34, तो ज़्यादा हो गया, यानी कि दोबारा से 1 पे जाएगा, 17 वन जा क्या आ जाएगा, 17, 30 माइनस 70 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7 3, ये आ गया 1, फिर लेंगे हम 0। अब 130 से देखेंगे आप कहाँ जा रहा है, 119 यानी कि 7 से, तो यहाँ की हमने 7 और यहाँ आ गया 119। माइनस करो, 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 1 1, 11 फिर हम लेंगे 0। अब 110 देखिए यहाँ, 110 कहाँ जा रहा है, 102 यानी कि 6 पर, तो ये आ गया यहाँ पे, हमने 6 राइट किया है 102। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8, फिर 0 लेंगे, फिर जाएगा हमारा 4 से, 17 4 ज़ा 68, ये आ गया हमारा 68। फिर माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे, 120 आ गया। 120 से यहाँ क्या आ रहा है, 119, तो ये हमारा आ रहा है 7 से, 119। तो 120 में से 119 गए, तो लास्ट में यहाँ राइट कर रही हूँ मैं, क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा।
120 में से 119 माइनस करेंगे, बन रहा हमारा, नहीं जा रहा तो हम ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो लेंगे, 100 सेम जहाँ से हम लेके चले थे वही बन गया 100, देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ से अब ये सारा के सारा सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है हमारा 0588235294117647, ये सारा के सारा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया है 1/17 का, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा 0.0588235294117647 बार। बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हुआ, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, और लेकिन जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिपीट होएंगी, इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ बार, तो ये कैसा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, और ये स्टॉप नहीं हो रहा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो क्या राइट करेंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हमने राइट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हमने कुछ एग्जांपल शो करने हैं रैशनल नंबर के विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब उसके फैक्टराइज करें तो 2 और 5 उसके फैक्टर्स आएँ, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो हमें बताना है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। तो हमें पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जो क्यू के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वो या तो 2 आए या फिर क्या आए, 5 आए, तो वो कैसे होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7/16 अगर हम 16 ले लें, तो यहाँ 16 देखिए, 7 तो एज इट इज़ रहेगा, 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 की पावर यानी कि 1, 2, 3, 4, कितनी टाइम आया, 4 टाइम, यानी कि 2 की पावर क्या हो गई, 4। तो या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों ही हो, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/16 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप 25 हो अगर डिनोमिनेटर में, जैसे कि 7/ अगर हम 25 ले लेते हैं, तो 25 का अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो तो 5 × 5 यानी कि 5 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई ना, 7/5 की पावर आ गई 2, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7/25 भी एग्जांपल हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखें जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें क्या बताना है, ऐसे नंबर बताने हैं जो हों तो इरेशनल हों, सॉरी, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे नंबर बताने हैं ऐसे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप ना हो रहे हों, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहे होंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो उनके जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है या तो 2 और 5 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और होगा, और नॉन रिकरिंग यानी कि वो ना ही रिपीट हो रहे हों ना ही स्टॉप हो रहे हों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे आपने एग्जांपल बताने, तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे हम यहाँ राइट कर रहे हैं 0.01, फिर आप 20 कर दो, फिर यहाँ पे 1, फिर आप 30 कर सकते हो, फिर 1, 40 कर सकते हो, फिर 1, यानी कि ये स्टॉप नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, डो, ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 0.003 0003 0003 0003, इस टाइप से, और चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स राइट करने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर हमें गिवन है 5/7 और 9/11, इनके
बिटवीन हमने कैसा नंबर फाइंड आउट कर रहा है, इरेशनल नंबर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 को 7 से डिवाइड और 9 को 11 से डिवाइड, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इनका। उसके बाद ही हम इनका, इनके जो बीच में जो इरेशनल नंबर आ रहा है उसे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास है 5/7 है और 9/11। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लगा देते हैं 0, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारा 0 नहीं जा रहा, 7/4 का क्या आ जाएगा, सॉरी 7/7 का हमारा क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा फिर 0 हो जाएगी, 7/1 का हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर 0 लेंगे, फिर 7/4 का हमारा क्या आ जाएगा 28, 2 आ जाएगा फिर 0 लेंगे, फिर 7/2 का हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 6 लेंगे यहाँ से फिर 0, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर हमारा 8, 7/8 जा 56, 10-6 किया तो 4 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 7/5 जा 35, 10-5 किया 5 आ गया, फिर 0 ले लेंगे, फिर 7/7 जा फिर क्या आ जाएगा 49। यहाँ देखिए 50 से स्टार्ट हुआ था यहाँ और 50 पे यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 7 से, यानी कि 0.7142859 यहाँ तक तो ये सेम है, ये है ही। इसके बाद 9 के बाद दोबारा से 7 आ जाएगा, तो 7 के बाद यानी कि ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चलता जाएगा फिर इस टाइप से, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा आया, कैसा नंबर आया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया। अब देखते हैं रिपीट हो रहा है तभी तो रैशनल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 5/7 को हमने कर लिया, अब हम किसको करेंगे, यहाँ 9/11 को। तो यहाँ मैं कर रही हूँ 9/11, यानी कि 9 को हमें डिवाइड करना है किससे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 0 यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, नहीं जा रहा फिर भी, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे 11/8 88 क्या रह जाएगा 2, फिर 0 लेंगे, 11/1 जा क्या आ जाएगा 11, वापस क्या आ जाएगा 20-11 किया तो 9, यानी कि फिर से 9 आ गया, अगर 0 लेंगे दोबारा 90 बन जाएगा, फिर से 8 आएगा, यानी कि यहाँ से 0.81 यहाँ से ये रिपीट होगा, 81 इस टाइप से। तो ये भी कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, रिकरिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये स्टॉप नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये, तो कैसा है, रैशनल नंबर है। अब हमें इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो नंबर है, ऐसा नंबर जो कि इरेशनल हो, वो हमें राइट करना है, तो कर सकते हो आप राइट। यहाँ है हमारे पास 0.7142859 ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ है हमारा 0.81। तो देखिए कोई भी इनके बीच का नंबर आप राइट कर सकते हो जो स्टॉप नहीं हो रहा और रिपीट नहीं हो रहा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टॉप भी ना हो और रिपीट भी ना हो वही हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर वो रिपीट हो गया तो कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो कोई भी आप जैसे 0.7547279 कोई भी नंबर आप राइट कर सकते हो जो रिपीट ना हो, ठीक है, इनके बिटवीन कोई भी नंबर्स, जैसे कि 0.81 है तो आप 81 से पहले 80 ले लो, 0.80 फिर 800 ले लो, फिर 8000 ले लो, यानी कि जो रिपीट ना हो रहा हो और स्टॉप भी ना हो रहा हो वो हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 6th और 7th आपको अच्छे से करनी है, 8th क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सिंपल है वैसे, आप खुद कर सकते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। √23 है, 23 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा रैशनल। 0.3796 तो ये क्या है हमारा, देखिए स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो गया तो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर। यहाँ देखिए ये स्टॉप नहीं हो रहा, डॉट 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 यहाँ चले जा रहा है ये नंबर, ये कैसा हो जाएगा, कैसा नंबर हो जाएगा ये। लेकिन आप ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है 7.478478 यानी कि रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। नंबर अगर यहाँ रिपीट हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा।
लास्ट में देखिए 1.10, यहाँ पहले 1 के बाद 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और चलता भी जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो कैसा हो जाएगा ये? इरेशनल। तो एक्सरसाइज हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है।